इग्नू जुलाई 2024 सेशन में री रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों का लगातार कमेंट आ रहा था कि जुलाई 2024 सेशन का री रजिस्ट्रेशन कराने का जो लास्ट डेट है, क्या उसका लास्ट डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, और री रजिस्ट्रेशन अभी करें या बाद में करें, अभी एग्जाम हो रहा है तो अभी कराएं या बाद में कराएं। बहुत सारे छात्रों के प्रश्न आ रहे हैं कि मान लीजिए हम फेल हो जाएंगे या फेल हैं तब भी री रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है कि नहीं है। जितने भी आपके मन में प्रश्न है री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2024 सेशन को लेकर, सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं एग्नू संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है वह जान लीजिए कि लास्ट डेट क्या है। जो इग्नू में री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2024 सेशन का लास्ट डेट है वो है 30 जून 2024। ठीक है, 30 जून 2024 को मान लीजिए कि इसका लास्ट डेट है। ठीक है, 2024 ये कब से शुरू है रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया? रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया 1 मई 2024 से ही शुरू है, यानी पहली बार जब रजिस्ट्रेशन कराने का लिंक आया तो पूरा एक माह का मई का समय और एक माह का जून का समय, दो माह का अतिरिक्त समय आप सभी को मिला था। फिर इसके बाद छात्रों का मन में प्रश्न आया कि लास्ट एक्सटेंड होगा क्या? देखिए, 100% होगा, ये निश्चित है। ठीक है, हो सकता है 30 जून के बाद मान लीजिए कि 15 जुलाई 2024 कर दिया जाए या सीधे 31 जुलाई 2024 कर दिया जाए, लेकिन ये होना ही होना है। ठीक है, आप सभी को घबराना नहीं। इसके बाद छात्रों के मन में प्रश्न आ रहा है कि री रजिस्ट्रेशन अभी करें या बाद में करें। देखिए, री रजिस्ट्रेशन आप कभी भी करा सकते हैं। 1 मई 2024 से री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू है और 30 जून 2024 तक लास्ट डेट है। इसके बाद भी लास्ट डेट एक्सटेंड होगा, लेकिन 30 जून से पहले भी आप करा लेते हैं तो काफ़ी बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, आप अभी कराएं या बाद में कराएं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन आप सभी को कराना ही है। और री रजिस्ट्रेशन का सामान्य रूप से मतलब कहा जाए तो फर्स्ट ईयर से में सेकेंड ईयर जाने के लिए और सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने के लिए, यानी फर्स्ट ईयर में जो छात्र एडमिशन लिए होंगे वो सेकेंड ईयर में जाएंगे, री रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फीस पेमेंट करेंगे, इसी जो प्रक्रिया होती है इसी को री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो ठीक है, तो हर कोई छात्र फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाता है तो इतना तो कंफर्म है कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके बाद प्रश्न आता है कि अभी एग्जाम हो रहा है क्या करें। देखिए, छात्रों के मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं कि अभी एग्जाम हो रहा है या होने वाला है, अपना हम एग्जाम दे दिए हैं, रिजल्ट नहीं आया है, पास हैं फेल हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या अभी री रजिस्ट्रेशन कराएं या रिजल्ट आने का वेट करें? ठीक है, तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बताया कि री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने के लिए। ठीक है, तो आपको री रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि फेल हैं तब क्या होगा। मान लीजिए कि आप जून एग्जाम 2024 दे रहे हैं, आप अच्छे से एग्जाम दिए, किन्हीं कारणों से एक पेपर में आप फेल हो गए, बैक हो गए, या कुछ पेपरों में आप फेल हो गए, या एग्जाम आपने छोड़ दिया है, तब भी आपको मौका मिलेगा दिसंबर के एग्जाम में। ठीक है, दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होगा इग्नू का, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, अपना एग्जाम एक पेपर का दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी को घबराना नहीं, इसका लास्ट डेट एक्सटेंड होगा और पूरी तरीके से निश्चित तौर पर एक्सटेंड होगा। ये इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत सारे छात्रों के प्रश्न आते हैं कि री रजिस्ट्रेशन कराने में कितना फीस लगता है। देखिए, जितना फर्स्ट ईयर में लगता है, जितना सेकेंड ईयर में लगता है, उतना ही मान लीजिए थर्ड ईयर में और आगे के कोर्स में या सेकेंड ईयर में लगेगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 12,000 किसी कोर्स का फीस है, आपका 3 साल का कोर्स है तो 4 + 4 + 4। ठीक है, मान लीजिए 2 वर्ष का कोई कोर्स है तो 6 + 6, यही री रजिस्ट्रेशन का फार्मूला होता है कि आपको प्रत्येक री रजिस्ट्रेशन में कोर्स का फीस ही पेमेंट करना होता है, अतिरिक्त शुल्क आप सभी को नहीं देना होता। निश्चित तौर पे आप लोग समझ गए होंगे कि री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। लास्ट डेट इसका एक्सटेंड होगा 15 दिन के लिए या सीधे 1 माह के लिए, कोई भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन री रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट एक्सटेंड होगा। अभी आप करा सकते हैं या फेल है पास है उससे मतलब नहीं है, री रजिस्ट्रेशन आप सभी को कराना है, करा लेंगे तो मैंने बताया कि 1 वर्ष आपका बच सकता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं 1 या 2 पेपर में तो दिसंबर 2024 में फिर से आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आप पूर्ण रूप से सारा एग्जाम देंगे जून 2025 में। अगर आप री रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपका समय से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर इससे संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो निसंकोच आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।